Thank you so much, sir, for doing the honor. अब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक दिन अपने मनोभावों को व्यक्त करें। कार्यक्रम में उपस्थित मणिपुर गवर्नर ला गणेशन जी, मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भूपेंद्र यादव जी, राजकुमार रंजन सिंह जी, मणिपुर सरकार में मंत्री विश्वजीत सिंह जी, लोसी दीखो जी, लेतपाओ होकेप जी, अब न्यूमाई जी, एस राजेन सिंह जी, बुर्ग जागिन बालते जी, सत्यव्रत सिंह जी और लुखोई सिंह जी, संसद में मेरे सभी साथीगण, अन्य प्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और मणिपुर की महान धरती को, यहां के लोगों को, यहां की गौरवशाली संस्कृति को झुकान करता हूं। साल की शुरुआत आना, आपसे मिलना, आप प्यार पाना, आशीर्वाद पाना, जीवन में इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। आज जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 8-10 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह मणिपुर के लोगों ने भर दिया, रंग दिया, एक प्रकार से पूरी ह्यूमन वॉल, 8 किलोमीटर की ह्यूमन वॉल। ये सत्कार ये आपके कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ दिन बाद 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले, 50 साल पूरे हो जाएंगे। देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ये समय अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। मणिपुर वो है जहां राजा भाग्यचंद्र और पू खेतिंगखांग सिथलो जैसे वीरों ने जन्म लिया। देश के लोगों में आजादी का जो विश्वास यहां मोइरांग की धरती ने पैदा किया, वो अपने आप में एक मिसाल है।
जहां नेताजी सुभाष जी की सेना ने पहली बार झंडा फहराया था, जिस नॉर्थ ईस्ट को नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार कहा था, वो आज नए भारत के सपने पूरे करने का प्रवेश द्वार बन रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज जब हम देख रहे हैं कि किस तरह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है, साथियों, आज यहां एक साथ इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, विकास की ये अलग अलग मणियां हैं जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। सना लईबाग मणिपुर की शान और बढ़ाएगी। इम्फाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा। बराक रिवर ब्रिज के जरिए मणिपुर की लाइफलाइन, उसको एक नई ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। थोबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ साथ तामेंगलोंग में वॉटर सप्लाई स्कीम से इस दूरस्थ जिले के सभी लोगों के लिए साफ और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है। साथियों, याद करिए, कुछ साल पहले तक मणिपुर में पाइप से पानी की सुविधा कितनी कम थी, केवल 6% लोगों के घर में पाइप से पानी मिलता था। लेकिन आज जल जीवन मिशन को मणिपुर के जन जन तक पहुंचाने के लिए बीरेन सिंह जी की सरकार ने दिन रात एक कर दिया है। आज मणिपुर के 60% घरों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। जल्द ही मणिपुर 100% सैचुरेशन के साथ हर घर जल का लक्ष्य भी हासिल करने वाला है। यही डबल इंजन की सरकार का फायदा है, यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है। साथियों, आज जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनके साथ ही मैं आज मणिपुर के लोगों का फिर से धन्यवाद करूंगा। आपने मणिपुर में ऐसी स्थिर सरकार बनाई जो पूरे बहुमत से, पूरे दमखम से चल रही है। ये कैसे हुआ? ये आपके एक वोट के कारण हुआ। आपके एक वोट की शक्ति ने मणिपुर में वो काम करके दिखाया जिसकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये आपके एक वोट की ही ताकत है जिसकी वजह से मणिपुर के
6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले और मुझे अभी ऐसे कुछ लाभार्थी किसानों से बातचीत करने का मौका मिला। उनका आत्मविश्वास, उनका उत्साह वाकई देखने जैसा था। ये सब आपके एक वोट की ताकत है जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना का मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 80,000 घरों को स्वीकृति, ये आपके एक वोट की ताकत का ही कमाल है। यहां के 4,25,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलना आपके एक वोट की वजह से ही संभव हुआ है। आपके एक वोट ने 1.5 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलवाया है। आपका एक वोट ने 1,30,000 घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिलवाया है। आपके एक वोट ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 30,000 से ज्यादा घरों में शौचालय बनवाया है। ये आपके एक वोट की ही शक्ति है कि कोरोना से मुकाबले के लिए यहां वैक्सीन की 30 लाख से अधिक डोज मुफ्त दी जा चुकी है। आज मणिपुर के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके एक वोट ने किया है। मैं आप सभी मणिपुर वासियों को अनेक विध उपलब्धियों के लिए हृदय पूर्वक हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो मणिपुर के विकास के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है और इसलिए 2014 के बाद मैं पूरे दिल्ली को भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए
संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। और आपने देखा है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रमुख चेहरे देश के अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की 7 वर्षों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। ये बदलाव है मणिपुर के कल्चर के लिए, केयर के लिए, इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथमिकता है और क्रिएटिविटी का भी उतना ही महत्व है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स, बेहतर मोबाइल नेटवर्क मणिपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। CIIIT यहां के युवाओं में क्रिएटिविटी और इनोवेशन की स्पिरिट को और मजबूत करेगा। आधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, गंभीर बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए मणिपुर के लोगों की केयर में मदद करेगा। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना और गोविंद जी मंदिर का जीर्णोद्धार मणिपुर के कल्चर को संरक्षण देंगे। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की इसी धरती पर रानी गाइदिनल्यूके ने विदेशियों को भारत की नारी शक्ति के दर्शन करवाए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। रानी गाइदिनल्यू म्यूजियम हमारे युवाओं को अतीत से भी जोड़ेगा और उन्हें प्रेरणा भी देगा। कुछ समय पूर्व हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के माउंट हैरियट, अंडमान निकोबार में एक टापू है जो माउंट हैरियट के नाम से जाना जाता था, आजादी के 75 साल होने के बाद भी लोग उसे माउंट हैरियट ही कहते थे, लेकिन हमने उस माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखने का भी निर्णय किया। अब दुनिया का कोई भी टूरिस्ट अंडमान निकोबार जाएगा तो ये माउंट मणिपुर क्या है, उसका इतिहास क्या है, वो जानने की कोशिश करेगा। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इम्फाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इम्फाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे,
ये हाईवे वन का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। पहले जब एक्सपोर्ट की बात होती थी तो देश के गिने चुने शहरों का ही नाम सामने आता था, लेकिन अब इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल के जरिए मणिपुर भी व्यापार और एक्सपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बनेगा, आत्मनिर्भर भारत को गति देगा। और कल देशवासियों ने खबर सुनी है, आजादी के बाद पहली बार कल देश ने $300 बिलियन का एक्सपोर्ट करके एक नया विक्रम स्थापित कर दिया। छोटे छोटे राज्य भी उसमें आगे आ रहे हैं। साथियों, पहले लोग पूर्वोत्तर आना चाहते थे, लेकिन यहां पहुंचेंगे कैसे ये सोचकर ही रुक जाते थे। इससे यहां के पर्यटन को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान होता था, लेकिन अब पूर्वोत्तर के शहर ही नहीं बल्कि गांवों तक भी पहुंचना आसान हो रहा है। आज यहां बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे का काम भी आगे बढ़ रहा है और गांव में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कें बन रही है। नेचुरल गैस पाइपलाइन जैसी जिन सुविधाओं को कुछ क्षेत्रों का विशेषाधिकार मान लिया था, वो भी अब पूर्वोत्तर तक पहुंच रही है। बढ़ती हुई ये सुविधाएं, बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी यहां पर टूरिज्म बढ़ाएगी, यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी। साथियों, मणिपुर देश के लिए एक से एक नायाब रत्न देने वाला राज्य रहा है। यहां के युवाओं ने और विशेषकर मणिपुर की बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा उठाया है, गर्व से देश का सर ऊंचा किया है। विशेषकर आज देश के नौजवान मणिपुर के खिलाड़ियों से प्रेरणा ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों से लेकर ओलंपिक तक रेसलिंग, आर्चरी और बॉक्सिंग से लेकर वेटलिफ्टिंग तक मणिपुर ने एमसी मैरीकॉम, मीराबाई चनू, बमला देवी, लायश्रम सरिता देवी, कैसे कैसे बड़े नाम है, ऐसे बड़े बड़े चैंपियंस दिए हैं। आपके पास ऐसे कितने ही होनहार हैं जिन्हें अगर सही गाइडेंस और जरूरी संसाधन मिले तो वो कमाल कर सकते हैं। यहां हमारी युवाओं में, हमारी बेटियों में ऐसी प्रतिभा भरी हुई है, इसलिए हमने मणिपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये यूनिवर्सिटी इन युवाओं को न केवल अनेक सपनों से जोड़ने का काम करेगी बल्कि खेल जगत में भारत को भी एक नई पहचान देगी। ये देश की नई स्पिरिट है, नया जोश है, जिसका नेतृत्व अब हमारे युवा, हमारी युवा बेटियां करेंगी। साथियों, केंद्र सरकार ने जो ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, उसका भी बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। आज भारत
अपनी जरूरत पूरा करने के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करता है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये पैसे भारत के किसानों को मिले, भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है। 11,000 करोड़ रुपए के इस ऑयल पाम मिशन से किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। यहां मणिपुर में भी इस पर तेजी से काम हो रहा है। ऑयल पाम लगाने के लिए, नई मीले लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों, आज मणिपुर की उपलब्धियों पर गौरव करने के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि अभी हमें आगे एक लंबा सफर तय करना है, लंबा सफर तय करना है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की थी। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था। पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने कैसे कैसे षड्यंत्र किए जाते थे। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जिन समझौतों का दशकों से इंतजार था, हमारी सरकार ने वो ऐतिहासिक समझौते भी करके दिखाए हैं। मणिपुर ब्लॉकेड स्टेट से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रास्ते देने वाला स्टेट बन गया है। हमारी सरकार ने हिल और वैली के बीच खोदी गई खाई को पाटने के लिए गो टू हिल्स और गो टू विलेज ऐसे अभियान चलाए हैं। इन प्रयासों के बीच आपको ये याद रखना होगा कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। अब मणिपुर के लोग यहां का विकास रुकने नहीं देंगे, मणिपुर को फिर से अंधेरे में नहीं जाने देना है। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये मंत्र पर चल रहा है। आज देश सबका प्रयास की भावना से एक साथ काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है, सब दूर काम कर रहा है। 21वीं सदी का यह दशक मणिपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले की सरकारों ने बहुत समय गंवा दिया, अब हमें एक
पल भी नहीं गंवाना है। हमें मणिपुर में स्थिरता भी रखनी है और मणिपुर को विकास की नई ऊंचाई पर भी पहुंचाना है। और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है मणिपुर इसी तरह डबल इंजन की सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। एक बार फिर आज की अनेक विविध परियोजनाओं के लिए मणिपुर वासियों को, मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थागतचरी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।